नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूँ आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। क्योंथर रीवा जिले की सहकारिता विभाग सदैव सुर्खियों में बना रहा है। जब से सहकारिता विभाग रीवा में उपायुक्त के पद पर श्री अशोक शुक्ला पदारूढ़ हुए हैं, तब से केवल उनका एक सूत्रीय कार्य रहा है, ज्यादा से ज्यादा धन वसूली करना। यही नहीं, जहां जहां पर श्री अशोक शुक्ला पदारूढ़ रहे हैं, इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं और सदैव आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे रहे हैं। रीवा जिले में तो हद ही पार हो गई है शासन की गाइडलाइन की। खुलेआम धज्जियां इनके द्वारा उड़ाई गई है। सितंबर माह में ही सेवानिवृत्त भी हो रहे हैं और सतना जिले का प्रभार भी इन्हें सौंप दिया गया है। इनके खिलाफ जांच भी जारी है। चाहे उद्घत विक्रेताओं को सीमित प्रबंधक बनाने का मामला रहा हो या कोई और नियुक्तियों का मामला रहा हो, जमकर अनियमितताओं का खेल खेला गया है। शासन प्रशासन को समय समय पर पत्राचार के माध्यम से, सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से भी अवगत कराया जाता रहा। जितना शिकायत होती रही उतना ही इनके प्रभाव और कार्य में बढ़ोतरी होती चली गयी। जाँच नहीं हुई उक्त बातें अधिवक्ता संघ क्योंथर के पूर्व अध्यक्ष श्री ब्रह्म नारायण शर्मा द्वारा कही गई है, जिन्होंने श्री अशोक शुक्ला डीआर रीवा के द्वारा किए गए अनैतिक कार्यों के जांच की मांग की गई है। किंतु देखने वाली बात होगी कि जांच होगी भी या नहीं, यह तो भविष्य के गर्भ में है। जिसकी जांच आवश्यक है, जांच न होना एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। प्रशासन मस्त है, डीआर अशोक शुक्ला मस्त है, भ्रष्टाचार चरम पर है। आइए आपको सुनाते हैं पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता संघ क्योंथर श्री ब्रह्म नारायण शर्मा की जुबानी आपकी खबर हमारी नज़र। हमारे संवाददाता कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी। इस समय मैं न्यायालय क्योंथर परिसर में मौजूद हूँ, जहाँ पर अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष पंडित ब्रह्म नारायण शर्मा जी मौजूद हैं। सर, क्योंथर क्षेत्र में सहकारिता को लेकर के तमाम तरह की जो है विसंगतियाँ हैं और भ्रष्टाचार का प्रमुख मुद्दा रहा, इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैंने कई बार इस विषय को उठाया है। अकेले क्योंथर का ही मामला नहीं है, संपूर्ण रीवा जिले में जब से सहकारिता विभाग में डीआर महोदय श्री अशोक शुक्ला जी की पदस्थापना हुई है, मैं ये कह सकता हूँ कि इतिहास में इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा भ्रष्टाचार सहकारिता में कभी नहीं हुई जितना वर्तमान समय में हुआ है। और उसके देनदाता डीआर अशोक शुक्ला जी हैं। ये अकंठ डूबे हुए हैं भ्रष्टाचार में। अगर पूरे प्रदेश में प्रतियोगिता कराई जाए तो निश्चित रूप से इनको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। इनके कृत्यों को लेकर के इन्होंने अनेक तरह का भ्रष्टाचार किया। एआर रहते हुए इन्होंने छतरपुर में करोड़ रुपए का शासन को नुकसान किया। वर्तमान समय में रीवा जिले में जब से ये पदस्थ हुए हैं, जो इनके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, सीओ और भी जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं, विक्रेता हैं, अन्य लोग हैं, उन पर दबाव बना करके उनके खिलाफ आवेदन पत्र लेकर के जांच शुरू कर रहे हैं। सबसे मजे की बात ये है कि श्री शुक्ला जी 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सेवानिवृत्त के 2 महीने पहले से ये सतना के भी प्रभार में है, सतना के भी डीआर है। सेवानिवृत्त के 2 महीने पहले से इनको शासन का प्रेम जगा और लोगों के जांच, अनावश्यक जांच करा करा करके राशि वसूलने का काम कर रहे हैं। और छोटी राशि मिले या बड़ी राशि मिले, अपने प्रकरण को निपटा लो। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब लीड संस्था थी उसमें करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, आज भी वो राशि लंबित है। धान घोटाला, गेहूं खरीदी घोटाला, इन तमाम में जो शासन की राशि डूबी हुई है उसको डीआर साहब निपटाने का काम कर रहे हैं। हमारी मान्यता ये है कि न्याय ये कहता है, न्यायिक सिद्धांत कहता है कि सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो उसकी निष्पक्षता पर संदेह पैदा करे। लेकिन डीआर महोदय इसी महीने रिटायर हो रहे हैं, 10 दिन बाद रिटायर हो रहे हैं। अनेक तरीके की जाँच, लोगों को बुला बुला के कहना कि केस निपटा लो, और जब जिस विक्रेता से नाराज होते हैं उसके विरुद्ध दूसरे से आवेदन पत्र दिला करके
सीओ के माध्यम से जो प्रशासक का काम कर रहे हैं उनके माध्यम से धमकी देना, डराना, धमकाना, तुम्हें सेवा से निवृत्त कर देंगे, नहीं जल्दी जल्दी आओ और ये काम कर रहे हो। तो इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का त्योथर आगमन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने पहले भी पत्राचार किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन श्री मोहन यादव जी से, सहकारिता मंत्री श्री विश्वास सारंग जी से और अपने रीवा जिला के मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी से आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को सेवानिवृत्त से पहले या तो उन्हें बर्खास्त किया जाए या जो करोड़ों का घोटाला छतरपुर में रहते हुए, रीवा में रहते हुए किया है, इनकी पेंशन बंद करके, और जब तक पेंशन का प्रकरण तब तक नहीं इनको पेंशन न दी जाए जब तक सारे प्रकरणों का निराकरण ना हो जाए। मैं सभी जिला प्रशासन से भी, कलेक्टर महोदय से, कमिश्नर महोदय से, सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि शासन की राज को बचाइए, कर्मचारियों को, छोटे कर्मचारियों को बचाइए और इनके तमाम अधिकारों पर 30 सितंबर तक के लिए रोक लगा देनी चाहिए जिससे ये कोई भी आदेश पारित न करे, और जो आदेश पारित किया है उसके पुनरीक्षण करना चाहिए रीवा और सतना दोनों जगह के। है कि सहकारी समितियों में जो नियुक्तियां हुई हैं वो नियुक्तियां इन्हीं के समय में हुई हैं और उन नियुक्तियों में भी व्यापक रूप से भ्रष्टाचार और धांधली और जो है अनैतिक रूप से किया गया है। नियुक्ति के संबंध में डीआर महोदय ने प्रशासकों के माध्यम से, जो उनके सीईओ हैं, उनके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उद्यत विक्रेताओं को प्रभारी बना दिया गया है। क्या आप उन समितियों का नाम बता सकते हैं जहां पर व्यापक रूप से भ्रष्टाचार किया गया? और जिले की स्थिति में कह रहा हूं, त्योथर में कहूं, त्योथर में भी हुआ है, कुठिला है और कई ऐसी, कुठिला है, सोहागी है, कई ऐसी समितियां हैं जिनमें उद्यत विक्रेता, जिनका कोई मतलब नहीं होता है, इन्होंने अपने हित में भारी रकम लेकर के उनकी नियुक्ति की जिससे सोसाइटियां खोखल हो रही। आप तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए, जब अध्यक्ष थे तब सोसाइटियों की हालत क्या थी और जब से प्रशासक नियुक्त हुए हैं पूरी सोसाइटी खोखली हो गई है और उसका पूरा दायित्व डीआर महोदय श्री अशोक शुक्ला जी को है, जबकि ये अपीलेंट अधिकारी है, इन्हें निर्देश और आदेश नहीं जारी करना चाहिए, अपील सुनना चाहिए। ये पूरे प्रकरणों में निर्देश जारी करते हैं, आदेश देते हैं और मनमानी तरीके से इन्होंने रीवा जिले को खोखला करने के लिए अब कदम उठाए। आपको मैंने एक निवेदन और करना चाहता हूँ, मैं 1977 से सहकारिता से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मैंने कई अध्यक्ष देखे और मैंने कई प्रबंधक देखे, मैंने कई डीआर देखे, मैं स्वयं पदाधिकारी रहा हूँ, बैंक प्रतिनिधि रहा हूँ, कई वर्षों तक रहा हूँ, मैं स्वयं समिति का सदस्य रहा हूँ और मैंने कई मीटिंग अटेंड की, जिले स्तर की मीटिंग अटेंड की है, लेकिन जितना बड़ा भ्रष्टाचार श्री अशोक शुक्ला जी जो वर्तमान में डीआर है, 30 सितंबर को जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिन्होंने किया है, इनके सभी प्रशासक जो सीओ के पद पर हैं, जब से ये पदस्थ हुए हैं इन्होंने खोखला करने का काम किया है, भ्रष्टाचार करने का काम किया है और सबका संरक्षण जो है वो डीआर अशोक। अध्यक्ष जी, समिति प्रबंधकों को शासन से अल्प मानदेय ही प्राप्त होता है, लेकिन अगर उनकी परिसंपत्तियों को, उनकी संपत्तियों का लेखा जोखा लिया जाए तो अरबों में है, करोड़ों में है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि श्री अशोक शुक्ला उत्तर प्रदेश के रहने वाले व्यक्ति हैं, ये वहाँ के लखनऊ के रहने वाले व्यक्ति हैं, इतना खोखला किया कि करोड़ों रुपए का घोटाला इन्होंने छतरपुर में किया। अगर इनकी अकूत संपत्ति की जाँच निष्पक्ष एजेंसी से करा ली जाए तो ये करोड़ों करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल है। एक बात और मजे की बात है, जो भी शिकायतें इनके विरुद्ध होती है, डंके की चोट पर ये कहते हैं कि मैं ऊपर तक पहुंचाता हूं, और आपको ताजुब होगा कि सारी शिकायतें जिसमें लिखा हुआ है कि डीआर से जांच न करा जाए, सारी शिकायतें डीआर के यहाँ डंप है, क्योंकि उन्हीं के विरुद्ध शिकायत है और वो जांच अधिकारी बना दिए जाते हैं जिससे कोई भी निष्पक्ष जाँच नहीं हो पा रही। क्या शुभ नाम है सर आपका? जी, आप अपना परिचय दे दें चैनल को। मैं ब्रह्मनारायण शर्मा, अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ त्योथर, समाज सेवी, सेवा सहकारी समिति कुठिला का पूर्व बैंक प्रतिनिधि और पूर्व में सेवा सहकारी समिति का सदस्य, वर्तमान में भी सेवा सहकारी समिति का सदस्य हूँ।